इन द कंटिन्यूशन ऑफ द किरचॉफ्स लॉ, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। और मैंने अभी एक सर्किट लिया है जिसके अंदर एक ईएमएफ सोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। लेट अस से दिस ईएमएफ सोर्स इज ई। यू आर गिवन विद ऑल द रेजिस्टेंसेस अरेंज्ड इन दिस वे। और हमें अब हर आर्म में करंट कितना आता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो सपोज़ ये करंट आई है और इसका कुछ पार्ट ऑफ करंट हमारा यहाँ चला गया आई ऑफ वन, तो रिमेनिंग करंट जो इस आर्म में बचेगा वो होगा आई माइनस आई वन। नाउ नेक्स्ट, अगर इस जंक्शन के बाद जो करंट इधर जाना था वो था आई टू, और वो करंट जो इस आर्म में बच गया वो कितना रह गया, आई वन में से आई टू चला गया, तो यू आर लेफ्ट विद आई वन माइनस आई ऑफ टू। सेम, अब ये करंट यहाँ कोई और आर्म तो है नहीं, कोई और जंक्शन नहीं बन रहा है, तो इसलिए यही आई टू यहाँ पर भी होगा, तो ये सेम ही आई टू करंट यहाँ पर है। अब इस आर्म में देख लेते हैं करंट क्या होगा। ये इनकमिंग करंट है जंक्शन पे, ये भी इनकमिंग करंट है, लेकिन ये आई वन प्लस है और ये माइनस है। जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को, यू आर लेफ्ट विद आई माइनस आई ऑफ टू, करंट यहाँ पर बचा। इसे हमने कैसे निकाला, हम क्या करते हैं, जंक्शन रूल लगाया। जंक्शन रूल में क्या होता है, I माइनस आई ऑफ वन, यानी ये इनकमिंग करंट थी तो प्लस होगी, ये भी इनकमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन है तो ये भी प्लस हो गई, यानी आई वन माइनस आई ऑफ टू भी प्लस हो गई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द थर्ड वन, जिस आर्म का अननोन है उसके बराबर हो जाएगा। तो वो कितना हो गया हमारा, ये और ये कैंसिल हो जाता, तो आपके पास बचा आई माइनस आई वन, तो आई माइनस आई टू के इक्वल हो गया। तो इससे हमने नेक्स्ट जो लास्ट आर्म है उसका करंट हमने निकाला है। नाउ वी नीड टू अज्यूम अ लूप, जिस लूप के अंदर हमें इक्वेशंस बनानी है। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर दिस लूप, सेम वे अनदर लूप, और इन लूप्स को कुछ नाम भी देते हैं, लूप वन, दिस इज लूप टू, और एक और लूप ले लेते हैं, दिस इज द थर्ड लूप, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल कैसे हैं, आई वन है, आई टू है और आई भी है। आई टू है, आई है, और तीन वेरिएबल की वजह से एक एक डायरेक्शन हम यहाँ पर ये भी ले लें, ये भी हमारा थर्ड लूप होगा। नाउ फ्रेम द इक्वेशन, सो देखते हैं हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लूप वन। लूप वन के अंदर क्या क्या पॉजिटिव है पहले वो चेक कर लें, कि ये दोनों सेम डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये और ये सेम डायरेक्शन है ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन दिस वन एंड दिस वन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं दिस एंड दिस केस में, आर आई वन प्लस आर आई वन माइनस आई टू, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी है, एंड माइनस टू आर I माइनस आई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, थोड़ा सा R कॉमन निकाल के उधर ले जाते हैं, तो ये तो R तो हट गया है इक्वेशन से, और आपके पास इक्वेशन बची अ फोर आई वन माइनस आई टू माइनस टू आई इज इक्वल टू जीरो। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। नाउ टेक टू लूप टू। लूप टू लेते हैं अब हमने, लूप टू का इक्वेशन लेना है दिस इक्वेशन। सो यहाँ से इक्वेशन देखते हैं क्या क्या प्लस हो सकता है और क्या नेगेटिव है। ये प्लस, ये वाला भी प्लस, दिस वन विल बी नेगेटिव एंड दिस वन विल आल्सो बी नेगेटिव। सो हमारे पास दो प्लस हैं, तो इक्वेशन बची टू आर आई टू एंड माइनस आर आई माइनस आई ऑफ टू माइनस आर आई वन माइनस आई ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी ईएमएफ सोर्स नहीं था, आपने इधर भी जीरो लिया, इधर भी जीरो लिया, और ये नेगेटिव आनी थी, तो हमने ये दोनों नेगेटिव ले लिए, जबकि ये प्लस। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो आपके पास आएगा फोर आई टू माइनस आई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। नाउ हमें थर्ड लूप लेना है। थर्ड लूप के अंदर ये वाला लूप है हमारे पास। अब यहाँ क्या क्या प्लस हो सकता है, तो ये प्लस है और यहाँ रेसिस्टेंस जा रहा है, तो ये भी प्लस है, तो दोनों ही प्लस हैं हमारे कॉम्बिनेशंस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लूप थ्री के लिए इक्वेशन बन गई, लूप थ्री के लिए बन गई टू आर आई माइनस आई ऑफ वन प्लस आई माइनस आई ऑफ टू ऑफ आर इज इक्वल टू ई। सो नाउ वील सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस। पहले दोनों इक्वेशंस को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इक्वेशंस को। 4i1, मैं दोबारा रीराइट कर रही हूँ इक्वेशन, एंड 2 ऑफ i माइनस i ऑफ 2 इज इक्वल टू जीरो, ये वाली इक्वेशन हमने दोबारा लिखी है। अब इस इक्वेशन में मुझे 4i1 को, यानी इस i1 को मुझे इक्वल करना है, तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस इक्वेशन को। सो 4i1 एंड देन 4 ऑफ i प्लस 16 ऑफ i2 इज इक्वल टू जीरो। सो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, दिस विल कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट विद दिस, दैट इज इक्वल टू 6i1, यहाँ माइनस प्लस 15 बचेगा, प्लस 15 आई टू
सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू. सो आई टू के वैल्यू आ जाता है 6/15 ऑफ जो आपकी आई की वैल्यू थी. तो हमने ये आई निकला है, ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग विल बी ज़ीरो. सो दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ आई. सो ये आपका इक्वेशन आ गया. एंड यू मे ऑल्सो राइट एज अ 2/5 ऑफ आई. सेम वे यू कैन सॉल्व फॉर आई ऑफ वन. आई ऑफ वन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं. सो आई ऑफ वन में क्या कर सकते हैं हम, किसी की ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकेंड में. सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट 3/5 आता है ये. सो इट विल कम आउट एज 3/5. नाउ आई वन आई टू हमारे पास दोनों हैं. अब इन दोनों वैल्यूज को, आई वन एंड आई टू की वैल्यू को, हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो यू हैव विद 2 ऑफ आई, ये हम क्या कर रहे हैं, पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पर. तो इसमें पुट कर रहे हैं आई 3/5 ऑफ आई एंड आर प्लस आई माइनस 2/5 आई एंड ऑफ आर इज इक्वल टू ई. सो इक्वेशन बन गई हमारी. हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट एन आंसर 7/5 ऑफ आई आर इज इक्वल टू ई. आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने ये करके रखा हुआ था तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. देन आपको पता है ई जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट इनटू आई के इक्वल होता है. तो हम यहाँ उसे प्लेस कर देते हैं. सो आपके पास आ गया आई आर इक्विवेलेंट और 7/5 ऑफ आई आर. आई एंड आई कैंसिल हो जाता है, आपके पास आर की वैल्यू गिवन है. तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 ओम्स. तो 10 ओम्स यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 14 ओम्स जो है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का आंसर आ जाएगा. ये हमने 10 ओम, हमने आर की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, आर इज इक्वल टू 10 ओम गिवन है. ये गिवन वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे प्लेस की है. सो दैट वी गेट द आंसर 14 ओम. सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक. नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल. और ये भी आपका एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है. वेल ये लग रहा है ऐसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है. सो यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. अभी तक हमने वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं सीखा है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज सीखेंगे. बट ये मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भी नहीं, हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो यहाँ हम करंट मान रहे हैं आई, और लूप वन की भी डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं पहले ही, और लूप टू की भी कर लेते हैं. अब देखते हैं करंट क्या डिवाइड था. तो लेट अस कंसीडर जो इस आर्म में करंट है वो आपका आई वन है. तो जो रिमेनिंग करंट है इस आर्म में बच गया आई माइनस आई ऑफ वन. यहाँ हम करंट मान लेते हैं आई जी. तो जो इस आर्म में करंट बच जाता है वो है आई वन माइनस आई ऑफ जी. ये आर्म में से करंट आई जंक्शन में चला गया, आई जी इधर आ गया, तो इधर बच गया आई माइनस आई जी. नाउ इस आर्म का करंट देखते हैं, तो ये आई वन इधर से आ रहा था और आई जी इधर से आ रहा है, तो ये आपका बन गया आई माइनस आई वन प्लस आई ऑफ जी इक्वेशन बन गया. लेट अस फ्रेम द डायग्राम नाउ, फ्रेम द इक्वेशंस नाउ. एक लूप और लेते हैं हमारे पास, क्योंकि तीन वेरिएबल हैं, आई है, आई वन है और आई जी है. तो जितने वेरिएबल उतनी ही हमें डायग्राम या इक्वेशंस भी बनानी पड़ेगी. इसको हम कहते हैं थर्ड लूप. सो दिस इज द थर्ड लूप. नाउ फ्रेम द इक्वेशन फॉर ऑल द थ्री. सो पहला बना रहे हैं हम इसके लिए. तो इसमें क्या है, 100 आई ऑफ वन प्लस 15 आई जी माइनस 60 आई माइनस आई ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो. रीज़न, ये आई वन जो है ये प्लस रहेगा, ये वाला आई जी जो था ये भी प्लस रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा. तो मैंने यहाँ माइनस लगाया, बाकी सब प्लस है. इधर भी देख लेते हैं पहले कि ये प्लस है, ये माइनस है और ये वाला भी माइनस है. तो दो टर्म इसमें माइनस जा रही हैं. तो हम यहाँ अब की बार लिखेंगे ये कितना था, 10 था. ये जो रेसिस्टेंस था गिवन है यहाँ पर 10 है, तो मैंने 10 लिया है. तो 10 ऑफ आई वन माइनस आई जी, ये वाली टर्म देख लेते हैं, माइनस 5 ऑफ आई माइनस आई वन प्लस आई जी. अब ये वाली भी टर्म देख लेते हैं, यहाँ आई जी था तो माइनस में 15 ऑफ आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो. ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया. अब हम थर्ड यानी नीचे वाले लूप की इक्वेशन देख लेते हैं. यहाँ देखिए डायरेक्शन इधर है, तो ये भी इधर ही है, ये उधर जा रही है, तो ये भी उधर जा रही है, तो यानी कि दोनों पॉजिटिव है, इसमें कोई इशू नहीं है. तो 60 आई माइनस आई ऑफ वन एंड देन दूसरा आता है 5 आई माइनस आई ऑफ वन प्लस आई ऑफ जी इज इक्वल टू ई, क्योंकि इसमें आपको ई एम एफ दे रखा है, तो मैंने ये ई लगाया है. तो ई लगाने के बाद ये लिखा है. नाउ अब ये तीन इक्वेशंस आपके पास है. आपका काम है आगे का कि आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, आई वन आई एंड आई जी की वैल्यू निकालें. बेसिकली इसमें आई जी की वैल्यू हमसे मांगी थी. लेट अस नाउ कंसीडर दिस फिगर.
और इसमें भी हमें सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट सी देखनी होगी। यहाँ इस लूप के अंदर ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ हम डायरेक्शन मान लेते हैं आई, गिवन डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिया आई। सो नाउ आउट ऑफ दैट कुछ पार्ट आई वन सपोज इधर चला गया, तो इधर जो बचा वो बचा आई माइनस आई ऑफ वन। जो आई वन इधर गया उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर चला गया, उसको कह देते हैं आई थ्री। और यहाँ जो करंट बचा देन उस केस में यहाँ आ रहा है इनकमिंग करंट, इधर चला गया, तो इधर रिमेनिंग करंट कितना होना चाहिए आई वन माइनस आई ऑफ थ्री इस आर्म में। अब जंक्शन यहाँ बन रहा है तो करंट इधर भी जाएगा कुछ और इधर भी जाएगा, और हमें नहीं पता इसमें क्या जाएगा और इसमें क्या जाएगा, क्योंकि आपके तो दो ही वैल्यूज़ आपको पता है, दो आपके लिए अननोन है। तो हम यहाँ थर्ड आर्म में जो आखिरी आर्म थी इसमें भी हमने कुछ करंट मान लिया, दैट इज से इट इज़ आई टू। तो अगर आई टू इधर आ रहा है जंक्शन की तरफ और इधर आई वन लीव आउट कर रहा है, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ जा रहा है, तो इस आर्म में जो करंट होना चाहिए था वो होना चाहिए था आई माइनस आई ऑफ टू। आई आया इधर चला गया और I2 इधर जा रहा है, वो इस I2 को माइनस कर देगा, तो नेट टोटल जंक्शन पे करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वही हमें निकालना था, आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब जो आउटगोइंग करंट है, जैसे हम बोलते थे मैं इसका रूल लगाती थी I1 प्लस I2 या जो भी करंट था तीसरा करंट, वो तीसरे आपके करंट के इक्वल होगा, I3 के इक्वल होगा। तो सपोज़ देख लेते हैं कि I3 निकालना है मुझे, यानी कि इस आर्म का करंट निकालना है, तो इन दोनों में से देखो कौन सा इनकमिंग करंट है, ये करंट आ रहा है ये जा रहा है, तो इनकमिंग करंट के लिए प्लस लेकिन आउटगोइंग करंट के लिए माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा ये आई है, आई वन नहीं है, दिस इज आई, तो ये हो गया माइनस करंट, और जो करंट हम आते हुए लगा रहे हैं ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये दोनों तो प्लस रहने थे, ये दोनों प्लस आपकी वैल्यू थी, और ये जो आउटगोइंग करंट है उसको हमें माइनस लेना था, द सम टोटल शुड बी जीरो। सो अब आई थ्री यानी कि इस आर्म को आई थ्री मत बोलिए क्योंकि आई थ्री हम ऊपर ले चुके हैं, तो लेट अस कॉल इट आई डैश, जो हमारा अननोन था वो आई डैश था, यानी इस आर्म का जो करंट था, तो आई डैश इज इक्वल टू व्हाट, ये आप इधर लेके जाएंगे तो आई प्लस हो जाएगा एंड आई टू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारी इस आर्म का करंट आ गया। सेम वे अब हम इस आर्म का भी करंट निकाल सकते हैं। अब इस आर्म में देखिए तीन करंट आ रहे हैं, एक इधर और एक इधर से, तो देखें हमारे पास क्या क्या करंट आया, जो आ रहा था आई माइनस आई ऑफ वन ये अंदर आते हुए, ये भी अंदर आते हुए, तो ये भी प्लस हो गया आई वन माइनस आई ऑफ थ्री, लेकिन जो ये वाला करंट है ये बाहर जाते हुए, तो ये हो गया आई, और जब साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा आई टू, और इन सब का सम टोटल क्या है ज़ीरो। इसमें से कैंसिल कर दीजिए, जो कुछ आपका कैंसिल होता है ये आपका करंट कैंसिल हो जाता है, ये आई और ये भी कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है सिर्फ कितना आई टू माइनस आई ऑफ थ्री। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग आर्म है वो आपके पास यहाँ जो करंट होना चाहिए वो होना चाहिए इधर, इधर जो करंट है वो होना चाहिए आई टू माइनस आई ऑफ थ्री। सो ये करंट्स हमारे पास आ गए हैं और हम ये करंट की वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हैं, और हम इनको यूज़ करके अब हमें लूप बनाने हैं। तो लूप, एक लूप ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये लूप है आपके पास और एक ये लूप है। डायरेक्शन ऑफ करंट्स हमें पता चल गई हैं और करंट हमने पता क्या किया है, पर हमने अज्यूम किए हैं वो, तो अब हम उनके लिए इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं कि सबके लिए क्या क्या इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले इसको ले लें, इसके अंदर ये पॉजिटिव, दिस वन इज़ आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसकी सारी टर्म्स ही पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ईएमएफ के साथ साथ इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो फिर आपके पास आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, ये वाला रेसिस्टेंस दोनों ऐड हो गए, और इसमें करंट कितना था आई, दूसरी आर्म में करंट कितना है प्लस के साथ आर और आई माइनस आई ऑफ वन, तीसरी आर्म में करंट कितना है आर और आई माइनस आई ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी ईएमएफ है यहाँ तो हम यहाँ जीरो नहीं लेंगे, ये ई। दूसरा इक्वेशन लेते हैं अब हम, ये वाला, तो इस वाले इक्वेशन में ये और ये वाली तो पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, तो दिस आर्म विल बी नेगेटिव, सो आर आई वन प्लस आर ऑफ आई वन माइनस आई ऑफ थ्री माइनस में दिस वन, तो ये हो जाएगा आर आई माइनस आई ऑफ वन, ये इक्वेशन हो गई आपकी ज़ीरो। थर्ड देखते हैं लूप, थर्ड लूप में क्या क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लूप घूम के ऐसे आएगा, तो ये दोनों भी अपोजिट हो गई और ये दोनों भी अपोजिट हो गई, तो ये दोनों तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो देखते हैं आर आई ऑफ थ्री माइनस आर आई वन माइनस आई थ्री एंड दूसरा आर आई टू माइनस आई ऑफ थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाती हैं,
एक और देखते हैं लास्ट इक्वेशन फोर्थ के लिए। तो फोर्थ के लिए इक्वेशन क्या क्या प्लस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है और ये दोनों जो है ये नेगेटिव हो जाते हैं। सो दो प्लस है हमारे, यानी आर आई टू माइनस आई ऑफ थ्री ये प्लस हो गया है, फिर प्लस में आर आई टू भी प्लस है, माइनस में आर आई माइनस आई ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ वी हैव ऑल द फोर इक्वेशंस, नाउ वील सॉल्व देम। और मैंने सॉल्व किया अभी, तो ये इक्वेशन की वैल्यू आती है दिस वन, और आई थ्री भी वैल्यू आती है टू बाई थ्री ऑफ आई टू, एंड आई की वैल्यू आ रही है सेवन बाई थ्री ऑफ आई ऑफ टू, यानी सारी वैल्यूज़ हमने इन टर्म्स ऑफ आई टू निकाल लिया। अब हमें एक इक्वेशन और बनानी, मतलब बल्कि हम ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था इसके अंदर हम इन सभी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, तो आपकी इक्वेशन न्यू फ्रेम होके आती है सेवन बाई थ्री आई ऑफ टू, आर भी लगाना हमें यहाँ छोटा, प्लस फाइव आई ऑफ टू आर इज इक्वल टू ई, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। लेकिन हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये जो ई है, उसके लिए हम ई एम एफ को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस, यानी आर प्लस स्मॉल आर और इंटू आई। लेकिन यहाँ जो आर होगा वो इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू आर इंटू आई को भी हम नेट ई एम एफ यानी ओम्स लॉ पूरे सर्किट के लिए लगाना हो तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन नंबर वन कह दो इसको, इसको टू कह दो, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट सेवन बाई थ्री आई टू आर प्लस फाइव आई टू आर, और दूसरी साइड आपके पास आ जाएगा आई ऑफ आर प्लस आर ऑफ इक्विवेलेंट। आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। तो यहीं इसी इक्वेशन से, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो हैं सेम हैं, सिमिलर हैं, जैसे आई टू की टर्म्स में आपने स्पेसिफाई किया था इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर, ये भी आई टू है ये भी आई टू है, तो आई आई वाली टर्म एक तरफ लेकर आई की वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये था ना आई इज इक्वल टू आई टू, सॉरी आई इज इक्वल टू सेवन बाई थ्री आई टू, तो यहाँ आई की जगह सेवन बाई थ्री आई टू पुट कर दें इसको, आर प्लस में आर इक्विवेलेंट हो जाए। ये हमने क्यों पुट किया, क्योंकि ये सब कुछ फिर आई टू की टर्म्स में आ जाएगा, ये भी आई टू है ये भी आई टू है और ये आई की जगह आई टू की टर्म्स में आ गया, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल के यहाँ पर प्लेस किया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 15 बाई 7 ऑफ आर, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप इसकी आर की वैल्यू पुट कर सकते हो फिर यहाँ सॉल्व करने के लिए। मेन था हमारा कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन बनानी कैसे हैं, करंट डिवाइड कैसे करना है आर्म्स में, और उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है। पिछले कुछ सालों में आई हैव ऑब्जर्व कि एनसीईआरटी ने किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, क्योंकि आप भी देखें तो किरचॉफ लॉ का कंप्लीट कैलकुलेशन का मैंने भी इसको दो बार बीच में पॉज किया टू सॉल्व, ये पोर्शन सॉल्व किया रफ में, देन आई हैव रिटन। तो ऐसे ही जब आप बच्चा सॉल्व करने लगता है तो उसको तीन चार मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली सीबीएसई में नहीं डाले जाते, बट सिंपल किरचॉफ लॉ डाले जा सकते हैं। उसमें बच्चा गलती करता है, यहाँ कैलकुलेशन जितने भी प्लस माइनस सिंबल्स की कैलकुलेशन होती है उसमें वहाँ पे गलती कर जाते हैं, और हमें बिगनिंग की इक्वेशंस ठीक मिलती है जब हम चेकिंग करते हैं, तो ये इक्वेशंस भले ही ठीक मिल जाएं लेकिन नीचे वाले रेस्ट ऑफ द पोर्शन में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपसे यही है कि जितने भी बच्चों ने रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप टिल एंड करें, मतलब कैलकुलेशन पार्ट को छोड़े नहीं, आप ये मत सोचें कि भाई हाँ हमने इक्वेशन तो बनानी आती है ना तो वहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे वहाँ पर मिस्टेक फिर होती ही होती है ऐसी सिचुएशन में। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू।